विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट को ढूंढने में हमें लगे लगभग 2 साल। इस फाइनल में भी 2 दिन पूरी तरह से बारिश को समर्पित हो गए और इसके बाद भी 2 टीमें टेक्निकली अभी भी रेस में बनी हुई है। लेकिन आज का जो औपचारिक 5वां दिन था वो बहुत मजेदार था और काफी उसमें उतार चढ़ाव भी आए। तो इन सब के लिए बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय मांजरेकर, आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे। संजय आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के मैच पॉइंट्स जो हैं बहुत आसान है क्योंकि बिल्कुल एक सीरियल में है, जिस तरीके से सारे आज की घटनाएं हुए उसी तरीके से हैं। तो पहला जो पॉइंट हम रखेंगे वो ये है कि शमी और ईशांत की बेहतरीन गेंदबाजी। शमी और ईशांत दोनों ने तीसरे दिन के खेल में थोड़ा सा जरूर निराश किया था, लेकिन आज क्या बदलाव देखा कि दोनों ने इतनी कमाल की बोली थी। मुझे लगता है शमी ने और भी अच्छी गेंदबाजी की, सबसे अच्छे बॉलर मोहम्मद शमी निकले, क्योंकि पहले दिन पे ऐसे लग रहा था कोई मूवमेंट नहीं मिल रही है क्योंकि ये स्विंग करने की कोशिश में नहीं थे, बॉल को पिच पे हिट करके सीम जो कट कहते हैं ऑफ कटर लेग कटर वो करने की कोशिश में थे और पिच में बिल्कुल मदद नहीं थी। लेकिन आज उन्होंने थोड़ा सा अपना अप्रोच बदला, ईशान ने काफी गेंदे आगे की और मोहम्मद शमी ने आगे करके स्विंग भी कराया, तो आज एक डिस्कवरी ये हो गई कि अगर स्विंग की जरूरत पड़ जाए इस सीम यूनिट को तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा वो काबिलियत मोहम्मद शमी में है और ये बहुत कारगर साबित होगा आगे के इंग्लैंड टूर में। लेकिन एक जो चिंता का विषय है वही है हमारा दूसरा मेन पॉइंट कि जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की ऐसा लगा कि थोड़ा सा निराश जरूर किया। आपके हिसाब से क्या उनकी लेंथ में कोई चूक रही, खासकर जो जिसके लिए वो फेमस है, जो उनके यॉर्कर्स है वो हमें आज बिल्कुल देखने को नहीं मिले। देखिए ये कोई एक लंबा बैड पैच नहीं है बुमराह का के जिसके बारे में बहुत ज्यादा एनालिसिस हो या चर्चा हो, लेकिन अगर इस मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑफ द पिच मूवमेंट नहीं मिले उनको, इन द एयर भी नहीं मिली। ऑफ द पिच क्यों नहीं मिली ये मुझे थोड़ा सा ताज्जुब होता है क्योंकि मोहम्मद शमी को ऑफ द पिच मूवमेंट मिल रही थी, लेकिन हवा में क्यों नहीं मिल रही उसका तो बिल्कुल कारण ये है कि उन्होंने ज्यादा आगे गेंदे नहीं की। और हमने देखा सेकेंड इनिंग में जिस तरह से साउदी सेकेंड इनिंग्स में भी बहुत अच्छा बॉल को मूव कर रहे थे, तो ये अंत में वो जो होता है कोचिंग मैनुअल में वही वो राज है कि अगर आप एंगल रिस्ट से ऐसे गेंदबाजी करो, जिस तरह से साउदी ने स्लिप की तरफ पॉइंट करके बॉल डाला तो वो आउटस्विंग हुआ, तो बुमराह हमारे ज्यादा सीधा सीम से डालने वाले गेंदबाज है। मैंने एक बार इंग्लैंड में देखा था उनको ऐसे आउटस्विंग डालते हुए, शायद उतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे, शायद उतनी मैच प्रैक्टिस नहीं मिली उनको, क्योंकि वो जब उन्होंने किया तो उसके पहले काफी मैचेस खेले थे, तो इंग्लैंड सीरीज में शायद हमको उनके हाथ से स्विंग देखने को मिलेगी। सऊदी पे आएंगे जरूर, एक बार नहीं 2 बार आएंगे, लेकिन उससे पहले तीसरा जो मैच पॉइंट है वो केन विलियमसन की जुझारू पारी। काफी हद तक जिस तरीके से विराट कोहली ने इससे पहले भारतीय पहले पारी में बल्लेबाजी की थी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत संयम के साथ बल्लेबाजी की उन्होंने। देखिए भारतीय टीम ने जब बल्लेबाजी की तो कंडीशन उनके लिए ज्यादा कठिन थे, बॉल ज्यादा स्विंग हो रही थी और थोड़ी सी नमी भी थी, तो जब केन विलियमसन बल्लेबाजी करने आए तो मुझे नहीं लगता कि पिच में इतनी कठिनाई थी, क्योंकि हमने जब देखा भारत जब बल्लेबाजी कर रही थी तो स्विंग काफी था और थोड़ी नमी भी पिच में थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका कारण शायद कोई और होगा। और ऐसा नहीं है कि 40-50 ओवर में इनिंग सिमट गई है कि आप कहेंगे कि पिच बहुत खराब था या बहुत डिफिकल्ट था। भारत ने भी पूरी अपनी पारी ली, 90 ओवर खेले, और न्यूजीलैंड ने भी काफी ढेर सारे ओवर खेले, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशन इस मैच में काफी ज्यादा रहा है। उसका कारण शायद ये होगा कि ये किस तरह का मैच है, एक ही मैच है उससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन घोषित होने वाला है, तो वो एक कारण होगा, मुझे लगता है कि जरूर होगा। लेकिन उसके और एक दो कारण ये भी है कि माहौल भी ऐसा था, ओवरकास्ट कंडीशंस के बॉलर को काफी मदद थी, और दोनों तरफा अगर आप देखें तो क्वालिटी बॉलिंग भी है। चौथे पॉइंट पे आते हैं और ये एक ऐसा पॉइंट है जो इंडियन क्रिकेट को काफी वक्त तक हॉन्ट करता आ रहा है, वो ये है कि अगर दोनों टीमों के परफॉर्मेंस को देखें, पुछल्ले ऑर्डर के बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, खासकर जेमिसन और साउदी ने न्यूजीलैंड के लिए बहुत आकर्षक रन भी जोड़े और काफी महत्वपूर्ण रन भी जोड़े, तो ये बताइए कि क्या फर्क यहाँ पे पड़ रहा था, क्या भारत के लिए उनकी गेंदबाजी में जो थोड़ा सा बैलेंस जिसको आप शायद प्रीव्यू में भी कह रहे थे कि एक और सीमर रहता तो शायद ज्यादा आसान होता, ये कारण था, या बहुत अच्छी बल्लेबाजी की जेमिसन के आगे सब बल्लेबाजों ने?
जिस तरह से मैच बन गया था, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि उनको इतनी पिच में मदद नहीं थी जितनी न्यूजीलैंड को थी, और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा लीड दिया। तो जैसे हम कह रहे हैं, हमारी क्वालिटी एक बॉलिंग लाइनअप है इंडिया की, तो वो उन्होंने आज काम करके दिखाया बिना बुमराह के कॉन्ट्रीब्यूशन के। अश्विन ने 2 विकेट निकाले, जाडेजा ने बाद में 1 विकेट निकाला, तो मैं नहीं कहूंगा कि बॉलिंग में ज्यादा कोई कमी रही। ये जो रणनीति थी, केन विलियम्स जब गेंद बल्लेबाजी कर रहे थे, तो काइल जेमिसन जब आए तो शायद उनमें हमने देखा कि कुछ बातें हो रही थी, तब न्यूजीलैंड ने निर्णय लिया कि अभी ये जो डिफेंस करके हमें रन नहीं करना है, तो अब थोड़ा सा बल्ला चलाएंगे और 30-40 या 50 का अगर लीड मिल जाए तो अच्छा। तो उसका कारण केवल यह था कि उन्होंने बल्ला चलाया, और जब टेस्ट मैच में ये होने लगता है तो इमीडिएटली आप डिफेंस पे भी नहीं जा सकते, तो इसकी कारण मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग थी, जस्ट वो माहौल ऐसे बन गया था और बिना सोचे समझे थोड़ा सा बल्ला चल गया सऊदी और काइल जेमिसन का। लेकिन एक स्विंग बॉलर की जरूर मुझे लगता है एक कमी पड़ गई है भारत को। और आखिरी पॉइंट में भी फिर से सऊदी आएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था जब आखिरी सत्र शुरू हुआ था कि शायद ये मैच ड्रॉ की तरफ अग्रसर हो, लेकिन सऊदी ने कमाल की बॉलिंग की और लगता है कि न्यूजीलैंड के लिए थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर उन्होंने जगा दी है। 2 बड़े विकेट शुभमन गिल और रोहित शर्मा। जी हाँ, और अच्छी गेंदबाजी के साथ, ऐसे नहीं कि आउटस्विंगर डाला और एज हो गया। शुभमन गिल को उन्होंने सरप्राइज किया लाइन बदल के, और रोहित शर्मा के लिए लाइन ऑफ स्टंप की बाहर थी, लेकिन वो जो हम कह रहे हैं उनका जो आउटस्विंगर है जहां पर सीम स्लिप्स की तरफ रहती, ये थोड़ी सीधी वाली थी, और रोहित शर्मा का फिर से वो होता है कि वो सेट होते हैं और 30-40-50 रन करके आउट हो जाते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन उस बॉल के ऊपर मुझे लगता है एक बहुत जल्दी उन्होंने निर्णय लिया बॉल छोड़ने का, क्योंकि उन्होंने लाइन देखा और उन्होंने बॉल छोड़ दिया। और ओपनिंग बहुत ही कठिन काम है, आपको अंत तक आपके ऑप्शंस ओपन रखने पड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि आपको लेट खेलना चाहिए, तो वही होता है कि लेट खेलना यानी निर्णय जो करना है या खेलना या छोड़ना, वो बहुत लेट तक आपको रखना पड़ता है। तो वहां पर एक थोड़ा सा मैं कहता हूँ लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और सऊदी ने थोड़ा सा मुझे लगता है भारत को एक कठिन परिस्थिति में डाला है, कि अगर कोई भी टीम आज चिंतित होगी, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि भारत बिल्कुल सेफ है और ये मैच ड्रॉ होने वाला है। कल अगर पहले सेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर यू नो जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि इंडिया इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स। तो दर्शकों को याद दिला दे कि जो छठा रिजर्व डे है वो एक्टिवेट हो गया है, यानी कल भी खेल रहेगा, और कल के बाद हम फिर से संजय मांजरेकर के साथ हाजिर होंगे और आपको ये बता देंगे कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के आखिर में एक विजेता हुआ या दो।